Good morning, students. Hello, how are you? I hope you are very well at your home. And we are revising our grammar topics. So today in the turn of their topics, the turn is of a determiners. Yes, आज हम करने जा रहे हैं हमारा topic determiners, उसकी revision. Determiner, what are determiners? Determiners are certain words which use before noun and which tells us the level of noun, the state of noun, and also the relation of noun with the sentence. I hope आपको पता चल गया होगा और बाकी आपको पता चलेगा इसकी प्रैक्टिस से. Nouns are, determiners are of many kinds. We will do, first one is possessive. Possessive determiners होते हैं, my, our, your, their, his, her, its, means जो possession होती है हमारी, जब किसी की चीज़ होती है, जैसे यू के साथ हम yours यूज़ करते हैं, आई के साथ माई, वी के साथ आर, शी के साथ हर, ही के साथ हिज, वो पोजेशन होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाते हैं, दो टू टाइप्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट में द, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सम. इनडेफिनेट में आ जाते हैं ए, एन, एनी, सम, अदर, सर्टेन, एटसेट्रा. उसके बाद आ गए हमारे क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं जैसे जिसमें कोई मात्रा होती है, न्यूमरल्स और क्वांटिटेटिव दोनों मात्रा में होते हैं, मच, मोर, लेस, लिटल, नो, एनी, इनफ, ऑल, होल, सफिशिएंट, हाफ, एटसेट्रा. और न्यूमरल्स में आ जाते हैं जो काउंटेबल थिंग्स होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे वन, टू, थ्री, ये हो गए न्यूमरल्स. उसके बाद हमारे ऑर्डिनल नंबर हो जाते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्टीन्थ, एनी, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सेवरल, ईच, बोथ, एवरी, नाइदर, आइदर, एटसेट्रा. ऑल दीज आर आवर न्यूमरल्स. एंड फिर आ गए हमारे आर्टिकल्स. आर्टिकल में आपको पता है आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन, द होता है डेफिनेट में और ए एन यूज होता है इनडेफिनेट में. और जो हमारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं जैसे वट एवर, बट, विच, विच एवर, हुसोएवर, हुज, एटसेट्रा, ये सारे हमारे हो जाते हैं. अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं. एग्जांपल करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनर को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं. एग्जांपल करते हुए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ. जैसे हम सम और एनी का यूज़ है वो किसके लिए करते हैं, जब व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स, ठीक है. और सम का यूज़ मोस्टली एफर्मेटिव सेंटेंसेज में होता है और एनी का यूज इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज में होता है. ध्यान दीजिएगा, एनी का यूज हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं. आप साथ ही साथ देखिए, देयर आर नॉट बॉय इन द क्लास, यहाँ पर हम लिख देते हैं फिल विद डिटर्मिनर. हाँ जी, तो देयर आर नॉट डैश बॉय इन द क्लास, देयर आर नॉट, पीछे बॉय लगा है, बॉय लगा है तो हम क्या लगाएंगे, देयर आर नॉट एनी एनी बॉय इन द क्लास, मीन्स जहां पे हम नेगेटिव में एनी आ जाएगा. और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोर देन वन डिटर्मिनर्स आर यूजेबल एट वन प्लेस, बट आपको जो आपको सूटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं. मीन्स ये नहीं है कि जो मैंने यूज किया वही एग्जैक्ट है या इसका कोई स्पेशल पर्टिकुलर रूल है कि वही यूज होना है. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी कैन यूज मैनी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स इन सिंगल सेंटेंस. आई हैव डैश फ्रेंड्स इन सिटी. अब देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत से डिटर्मिनर दिए, यहाँ पर हम फोर फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, मैनी फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, अ फ्यू फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं. मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन सिटी, पता चल गया. और एक चीज का ध्यान रखना है, पीछे अगर प्लूरल में है तो आपको जो डिटर्मिनर है उस अकॉर्डिंग ही यूज करना है, प्लूरल के अकॉर्डिंग ही. अब हम और एग्जांपल्स करेंगे. एग्जांपल्स करते करते साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि
कैसे हम कुछ पर्टिकुलर डिटरमिनर्स हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं। देखो हमारे डिटरमिनर्स हैं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू एंड लिटल, ए लिटल, द लिटल। अब ये ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। जो फ्यू और लिटल हैं, जो फ्यू है वो काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज होता है, जो लिटल है वो मिनी जाने वाली नापी जाने वाली चीजों के लिए यूज होता है। तो जो फ्यू और लिटल हैं ये दोनों नेग्लिजेबल मीन्स नॉट की सेंस में यूज हो जाते हैं, मीन्स ना मात्र। क्या कह सकते हो आप? ना मात्र। जब कोई बात ना मात्र हो ठीक है तब यूज होते हैं। ए लिटल और ए फ्यू ये कहाँ पे यूज होते हैं? जहाँ पर वेरी लेस क्वांटिटी हो, वेरी लेस क्वांटिटी हो। और द फ्यू और द लिटल कहाँ पर यूज होते हैं? जहाँ पर पर्टिकुलर हो, खास हो, पर्टिकुलर या खास हो, मींस इसमें आपको पहले ही बताया गया हो कि किसी खास की बात हो रही है। अब इसकी एग्जांपल आप ध्यान से देखिएगा। Like few dash women can keep secret। तो यहां पे हमारा आ जाएगा few women can keep secret, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है ना आदत होती है कि लेडीज के पेट पे बात नहीं बचती, मीन्स ना मात्र औरतें हैं जो वो बात को छिपाती हैं, सीक्रेट रखती हैं। He had helped me with dash money he had. He had helped me with dash money he had means उसके पास जो money थी उसने उससे मेरी help कर दी, means पीछे अगर he had लगा है तो इसमें हमारा द लिटल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। द मैंने बताया था कि द लिटल या द फ्यू वो वहां यूज होता है जहां पर स्पेसिफिक पर्टिकुलर की बात की गई हो, मींस उसमें क्या बात की गई है कि जितनी उसके पास थी उसने उससे उसके साथ मेरी मदद कर दी। जैसे और एग्जांपल देखिए इसमें, ही हैड लॉस्ट फ्रेंड्स He had lost the few friends he had, जो थोड़े उसके थे वो गवा बैठा। पीछे ही had लग गया तो इससे आपको क्लियर होता है कि जो उसके पास था वो मीन्स वो पर्टिकुलर बन गया। ठीक है, जैसे there is water in the jug, there is dash water in the jug, there is some water in the jug भी आ सकता है और there is a little water in the jug भी आ सकता है। Means some, a little, ये जो है एक सेंस में यूज हो सकते हैं। I bought pen, pencil and eraser। I bought a pen आ जाएगा यहाँ पर determiner, a pencil आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा an eraser, क्योंकि e लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा an eraser, means जो article है वो भी determiner के अंडर आते हैं और वो हम ऐसे कर लेते हैं देख के कि e का या हमें an कहाँ पे use होता है, जहाँ पर वॉल्स हूं, ए ई आई ओ यू। ए का यूज कहां पर होता है? जहां पर किसी सिंगुलर की बात हो। एन का यूज होता तो सिंगुलर में है एन का यूज, लेकिन कहां होता है? जहां पर वॉल साउंड हो,
वॉल साउंड मतलब ए ई आई ओ यू की साउंड हो, और द का यूज कहाँ होता है, जहां पर पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन हो। आई होप आपको ये सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी हेल्प बुक में, आपकी ग्रामर की बुक में जितनी भी एक्सरसाइज दी गई हैं उन सबको करके देखिएगा। आई होप यू विल नेवर डू मिस्टेक इन डूइंग डिटरमिनर टॉपिक। ऑल द बेस्ट।